नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाज द्वारा निर्धारित दायरों को पार करके अपने लिए एक नया जहान तलाश कर रही है नारी। संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादी विचारधारा अब उसके लिए बाधा नहीं है। हर नए क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब है आज की नारी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो या टेक्निकल फील्ड हो, सौंदर्य प्रतियोगिता हो या फैशन डिजाइनिंग, कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। आज ऐसी ही एक प्रतिभावान, मल्टी टैलेंटेड और सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर रागिनी सिंह, मिसिज हरियाणा क्लासिक 2019, डॉक्टर रागिनी सिंह, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर रागिनी सिंह के हस्बैंड डॉक्टर पंकज गहलोत और उनकी फैमिली फ्रेंड श्रीमती नीतिका शर्मा जी, जो आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगी। क्योंकि हर लड़की, हर महिला, मुझे लगता है कि आज डॉक्टर रागिनी सिंह जैसा बनना चाहेंगी। शुरुआत करते हैं डॉक्टर रागिनी जी, सबसे पहले हम आपको अपने इस खिताब के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचकर? मतलब डॉक्टर और सौंदर्य प्रतियोगिता, मिसिज हरियाणा, कैसे हुआ ये सब? हमारे लिए गर्व है, हो रहा है हमें, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम नारी की शक्ति को रिप्रेजेंट कर पाए, और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि करियर में डॉक्टर के साथ साथ सुंदर भी रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरा मेन यही एक मोटिव था कि सारी औरतों को बताया जाए कि वो जिन जिन क्षेत्रों में हैं उनके साथ साथ वो अपनी सुंदरता को भी बहुत खूबी से कायम रख सकती हैं, और हर औरतों में बहुत गुण होते हैं, उनको बस पहचानने की ज़रूरी है, ज़रूरत है जी। डॉक्टर गहलोत, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो जीवन साथी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके करियर में भी, आपके जीवन में भी, समाज में भी, और आज मैडम को इतना बड़ा खिताब, उपाधि मिली है, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपका माध्यम से अपने को धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि सारी महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये इस तरीके का खिताब इन्होंने कोशिश करी और इसको मुकाम पे पाया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम इनसे और लेडीज़ को प्रेरित होना चाहिए कि ये कुछ भी हासिल कर सकती हैं, बस आपके परिवार का साथ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी। नीतिका जी, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर रागिनी और ये खिताब उनको मिला, तो आपको कैसा लगा? बेसिकली मैं रागिनी भाभी को हमेशा ही फॉलो करती हूँ, वो मेरे लिए आइकन जैसे हैं। मैंने तो 33 में ही हर चीज़ को गिव अप कर दिया, इट्स ओके, जॉब सेटल है, 2 साल का बच्चा है, ऑल्स गुड, बट रागिनी भाभी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक अध्यापिका के साथ साथ अपने स्कूल के बच्चों को भी मोटिव करूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आप छोटे नहीं होते हो, हर कदम आपका नया कदम होता है, और एक दिन हम सब जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं से नई शुरुआत होती है। तो मेरे लिए आज से एक नई शुरुआत और है कि आई वांट टू बी रेज लाइक रागिनी भाभी। बहुत अच्छी बात कही है नीतिका जी ने कि महिलाएं जो है अपनी घर की जिम्मेदारियों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए आफ्टर 30-35 गिव अप कर देती हैं कि बस अब लगभग आधी ज़िंदगी जो है हमारी हो चुकी है, आगे की आधी वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि यही होगी, ये हमारे, हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आपने डायरेक्शन एकदम से चेंज की, प्रोफेशनली भी और एज अ वुमेन भी, तो कैसे हुआ ये, कहाँ से आपको, कब आइडिया आया, कब सोचा कि ये मुझे यहाँ जाना चाहिए? मेरे अंदर एक खूबी है, हमें चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, मगर इस फील्ड के बारे में हम सोचे नहीं थे। जनवरी में हमें दोस्त पहले भी अप्रोच किया गया था इसके लिए, बट हम तैयार नहीं थे। उसके बाद 2019 में एक टीम ने डॉक्टर पंकज को अप्रोच किए, उन्होंने फॉर्म भर के
हमें सरप्राइज़ दिया। एक महीने बाद जब हमें पता चला कि मेरा फॉर्म भर चुका गया है, तो उसमें फिर मेरा जब ग्रूमिंग सेशन आया पहला, मतलब तब हमको पता चला कि हम इस फील्ड के लिए तैयार हुए थे, मतलब कि पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हमें जी। तो डॉक्टर पंकज ने, हम थोड़े खिलाफ हो गए इस चीज़ के, तो डॉक्टर पंकज ने कहा कि मेहनत करने पे विश्वास करिए, परिणाम की अपेक्षा मत करिए, बस आप जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं और आगे भी आप मेहनत करते रहिए बस। तो आपने जस्टिसफिकेशन हमेशा अपने डॉक्टर फील्ड को दिया, अब इस एक नए फील्ड को भी देखे देखिए जी, लाइफ का पूरा अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए जी। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रागिनी सिंह गहलोत ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं और अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं बीपीएस मेडिकल कॉलेज खानपुर में। तो मैडम, ये आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो नया फील्ड है इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है और थोड़ी सी चकाचौंध वाला सा फील्ड है ये, और आपका जो प्रोफेशन है डॉक्टरी का बहुत ही सिंपल और बड़ा टफ प्रोफेशन है, तो वहाँ कैसे टाइम मैनेज किया हुआ, एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आई? आपको कभी लगा हो आप अपने पेशेंट्स के साथ इनजस्टिस कर रही हैं? नहीं, जब मेरे टाइम होता था जब हम पेशेंट देखने का, तो हम पूरा प्रॉपर 8 to 2 उनके साथ ड्यूटीज़ किए हुए हैं। उसके बाद शाम को, रात को, देर रात तक प्रैक्टिस करते थे हम, सैटरडे संडे हम प्रैक्टिस करते थे स्पेशल इसके लिए। तो कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमने इनजस्टिस किया पेशेंट के साथ, इनफैक्ट हमने जस्टिफिकेशन किए दोनों फील्ड के साथ जी, जस्टिस किए एकदम एग्जैक्ट, बिकॉज दोनों लाइफ मेरे लिए अलग है और इसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था मेरे लिए और उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अलग है। वो एक सोशल सर्विस था मेरे लिए, एक डॉक्टर एक सोशल सर्विस का फील्ड है और मिसेस हरियाणा एक अलग फील्ड है जहाँ पे हम नारी की शक्ति को दर्शाते हैं जी। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर रागिनी सिंह ने कहा कि मेहनत करनी आपके हाथ में है और आप कोई भी काम, ऐसा नहीं है कि एक काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसी में रहेंगे, आप उस काम को एडजस्टमेंट करते हुए भी दूसरे फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, मेडिकल प्रोफेशन को दूसरा खिताब है ये, मानुषी छिल्लर को हम सभी जानते हैं, मिस वर्ल्ड रही हैं, आपके ही मैडम कॉलेज की छात्रा हैं वो, तो क्या उनको आपने कभी यूँ सोचा कि एक रोल मॉडल सबका होता है, इंस्पिरेशन भी हर किसी की कोई ना कोई होता है लाइफ में, तो क्या आपको कोई इंस्पिरेशन, कोई रोल मॉडल आपका इस फील्ड में? इस फील्ड में तो हम ये नहीं कह सकते, मेरी इंस्पिरेशन मगर मेरी माँ ज़रूर रही है। माँ एक ऐसी शक्ति है जो हर बच्चों को रियलाइज़ करना चाहिए जो उनके लाइफ में मिली हैं, और उनमें इतनी पावर है कि वो एक भूकंप का भी रूप ले सकती है जब बच्चों पे संकट आती है, और बोलते हैं ना पूरा प्यार देने वाली एक माँ हो सकती है। तो वो शक्ति माँ मुझे हमेशा देती थी, उनका प्यार और उनका जो मुझे बढ़ावा देना, कॉन्फिडेंस देना, मोटिवेट करना जी। किसी फील्ड के लिए रोकना नहीं, हाँ करिए, आप कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर रागिनी ने एक ही शब्द में कही कि माँ से बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं है। हम पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हैं। डॉक्टर पंकज, आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर रागिनी भी एक माँ भी हैं डॉक्टर होने के नाते, और क्या उनको, आपको लगता है कि कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में दिक्कत आई हो मैडम को निभाने में? नहीं, डॉक्टर रागिनी मैं कहूँगा एक पूरी अपने में संपूर्ण नारी है। वो अपना घर का काम, प्रोफेशनल वर्क, और जिस फील्ड में मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, खुद नहीं जाना चाहती थी, मैंने कहा आप ट्राई करिए, क्योंकि आपका जो दिनचर्या है, खाने की हैबिट्स हैं जो आपने मेंटेन करी हैं, इसको लेके आप अपना फॉरवर्ड जाइए। आपको क्यों लगा ऐसा कि मैडम को इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए? क्यों, मैं इनको बहुत, मेरी शादी को 12 साल हो गए, जहाँ भी मैं जाता था तो सब मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते थे कि आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, तो मैं तो मानता ही था, लेकिन जब लोगों का कॉम्प्लीमेंट मिलना लगा तो मैंने कहा वी शुड ट्राई, एक बार जाना चाहिए, कि बिकॉज हर एक बार ही तो आपको मौका मिलेगा नहीं। दूसरा, मैं सब लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लड़की आपके घर लड़के के साथ ब्याह करके आती है, अगर हस्बैंड का साथ उसके साथ है तो कोई भी शक्ति उसको हिला नहीं सकती, क्योंकि वो अपना पूरा घर बार छोड़ के एक हस्बैंड के लिए अपना उधर आके सेटल होती है। अगर वो आदमी उसके ऊपर विश्वास रखे तो वो आपको बहुत कुछ करके दिखा सकती है, बहुत आगे तक जा सकती है। जी जी। और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप चलिए और उसकी बैकबोन बनिए। आपको अपने पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा,
फैमिली को भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है कि बहुत इंट्रोवर्ट्स आदमी हैं, वो कहते हैं अच्छा फील्ड नहीं है इसमें, आप ये होगा ये, आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको विश्वास रख के चलना पड़ेगा जी। और यही मैंने उनके ऊपर विश्वास रख के दिया और इन्होंने अपनी फुलफिल अचीवमेंट्स करके दिखाई और मैं चाहूँगा कि आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। इस पे जाएं। जी जी निकिता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा कि लोगों की इस फील्ड के प्रति जो सोच है वो थोड़ी सी अप टू लेवल नहीं है, हम ये कह सकते हैं, खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें, और रूरल एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों की छोटी संकीर्ण सोच है इस बारे में, तो क्या आपको, आप टीचर हैं, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे माहौल में बदलाव आ रहा है, या आप जो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार कर रही हैं, तो क्या लगता है कि कोई फील्ड अच्छा है बुरा हो सकता है? मैं एक बेटी की माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ एक बेटी की माँ सबसे ज़्यादा केयरिंग होती है आने वाले भविष्य को लेकर। आज का टाइम इतना ख़राब है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ रागनी भाभी से कि उन्होंने बताया कि एक माँ ही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। मैं आज जो कदम उठाऊँगी मुझे तैयार होना चाहिए कि मेरी बेटी भी कल को वही चीज़ करेगी। मैं एक नर्सिंग सिस्टर की बेटी हूँ, किसी ज़माने में उनके प्रोफेशन को भी अच्छा नहीं कहा जाता था, बट मैं अपनी माँ को कॉपी करती हूँ, उनके ही प्रेरणा से मैं आज एक अध्यापिका हूँ और मैं अपनी बेटी को भी रागनी भाभी की तरह हर फील्ड में आगे लेकर जाना चाहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा स्पोर्ट्स में है, बच्चा सौंदर्य कंपटीशन में है, जहाँ पे भी है उसको एक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए। और अब ये चीज़ें बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका हूँ, अब मैंने देखा है कि छोटे छोटे घरों के लोग भी अपनी बेटियों से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम बच्चों को माउंटेन पीक्स पे लेकर जाते हैं, पीक क्लाइंबिंग्स पे लेकर जाते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार ने बच्चों को दी है, लेकिन वो तब फुलफ़िल होती है जब बच्चे खुद और उनके पेरेंट्स खुद आगे आएँ। और समय बदल रहा है, बच्चे आगे आ रहे हैं, पेरेंट्स उनको आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सी रागनियाँ बनेंगी जी। बहुत खूब, समय बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। मैडम, आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आप मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी, डॉक्टर साहब ने फोर्स किया, आपका फॉर्म भरा और आप वहाँ चली गई, कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और खिताब भी जीता, कैसा अनुभव रहा, किस तरह के जो राउंड्स, जैसे हम टीवी में, हमने तो टीवी में ही देखा है मैम, जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे थीम्स होते हैं उन राउंड्स के, तो आपका अनुभव कैसा रहा? हमारी रोजमर्रा की लाइफ इस लाइफ से बहुत ही डिफरेंट थी जी। वो लाइफ हमारी बहुत सिंपल और टफ थी और ये लाइफ मुझे फिर से बचपन जीने का यादें दिला दी, मौका मिला दी। बिल्कुल जी। ये जो टैलेंट, ये शुरुआत हुई जनवरी में जब फॉर्म भरा गया, उसके बाद हमारे ग्रूमिंग सेशंस हुए थे, चार ग्रूमिंग सेशंस हुए थे जिसमें, उसके बाद जो इनके फाइनल राउंड स्टार्ट हुए हैं 28 जून से 30 जून तक, इसमें 5 राउंड्स थे हमारे पास। फर्स्ट राउंड में हमें बर्ड का थीम दिया गया था कि आप बर्ड या किसी भी जानवर को आप रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, क्योंकि आज एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे पक्षियों को, जानवरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो हमें वो एक थीम दिया गया था कि आप उस डिज़ाइनिंग खुद करेंगी और आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं समाज को। तो हम उसमें मरमेड बने थे, जलपरी जी, और जलपरी बन के हमने ये मैसेज दिया था कि जो हमारा समुद्र है उसको प्लास्टिक फ्री जोन से बचाया जाए और पॉल्यूशन से बचाया जाए, क्योंकि पीने को लास्ट में पानी नहीं मिलेगा हमें, अगर हम इसी को पॉल्यूट करेंगे तो हमारे जानवर मारे जाएंगे और जिसके कारण आगे आगे हमें भी तकलीफ होने वाली है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है वाटर पोल्यूशन, तो जल बचेगा तभी कल बचेगा जी। और पोल्यूट ना कीजिए, क्योंकि पीने का पानी, जैसे मैडम ने कहा कि कल को हमारे पास पीने का पानी भी नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन ना आए, इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए पोल्यूशन कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाएं। तो बहुत ही अच्छा संदेश, ऐसी इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वहाँ भी ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरत है कि सोसाइटी को वो मैसेज उसी रूप में मिले जी। तो मैडम, आपको लगा था कि आप फाइनल तक पहुँचेंगे? जी, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम पहुँचेंगे जी। आत्मविश्वास आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है? आत्मविश्वास और फैमिली का सपोर्ट वुमेन को एम्पावर्ड बनाता है, आत्मविश्वास और फैमिली का सपोर्ट। तो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को
आप सपोर्ट कीजिए, उन्हें एम्पावर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपको लगा था कि मैडम खिताब जीतेंगी, और आज जो है मैडम एक रोल मॉडल के रूप में बैठी हैं सभी महिलाओं के लिए, खासकर डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन के लिए मैं ये कहूँगी, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी? मेरा एक्सपेक्टेशन था ये था कि हम ट्राई करेंगे, इन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत भी करी, जो इन्होंने अपने अपना दिनचर्या का जो शेड्यूल बनाया, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करती थी, डाइट इन्होंने कंट्रोल रखी, तो ये सब मोटिवेशन देख के मेरे को लग रहा था कि शी विल विन, ये जीतेगी। और हमने जब पॉजिटिव सोचा, मैंने पॉजिटिव भी थिंकिंग रखी कि कैसे भी कॉम्पिटिटर आगे आएँ, क्योंकि इनके कॉम्पिटिशन में शुरू में 120 से ऊपर महिलाएँ थी जो शॉर्ट लिस्ट हुई थी, फिर लास्ट में ओनली 22 रह गई। तो उसके बाद मैंने इनको और मोटिवेट किया कि आप और अच्छी मेहनत करिए, इसी फ्लो में कंटिन्यू करिए, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, अपने में विश्वास रखिए, मैं पीछे खड़ा हूँ, फैमिली पीछे खड़ी है, एंड आप अपना लगाइए बेस्ट जो लगा सकती हैं। तो इसके बाद मेरे को लगा कि हाँ अब ये मैडम बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन पहुंच गई। यस यस पूरी उनकी। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको दोनों को। नीतिका जी, आपको क्या लगता था कि आपकी जो फ्रेंड है जिनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं, कि आपने कहा कि मैंने तो आफ्टर 30 गिव अप कर दिया है, लेकिन अब इनको देखकर दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आई है, आप दोबारा से रीप्लान करने की सोच रहे हैं, तो कैसा लगता था आपको कि मैडम जीतेंगी? रेस्ट ऑफ श्योर। मैंने बोला कि किसी को भी आप एकदम से प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाते हैं, किसी से ही आप एकदम से इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। हम टीवी एक्टर्स को देख के बोल सकते हैं वाओ हमें ये पसंद है, ये पसंद है, पर मैं उनके साथ रहती हूँ, मैं उनके साथ जीती हूँ, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं और उसको समझने की कोशिश की कि हाँ बहुत आसान है। हम जब छोटे थे, मम्मी कुछ समझाती थी तो हम एकदम से गुस्सा हो जाते थे, नहीं ऐसा नहीं है। पर जैसे जैसे मैं माँ बनने लगी, समझ आने लगा कि वो सही थी और मैं गलत। मैंने रागनी भाभी में अपनी भाभी, माँ, दोस्त, दी, सब कुछ देखा है, तभी मैंने उनको अपना स्तोत्र बनाया। और बाहरी खूबसूरती तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन आंतरिक जो इनकी सुंदरता है ना, उन्होंने मुझे भी बहुत सुंदर बना दिया। जी मैडम, नीतिका जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आंतरिक सुंदरता सबको नहीं देखती। मुझे लगता है कि आंतरिक सुंदरता तभी आती है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। आप ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, और वहाँ बहुत सी महिलाएं, हमारे देश में बल्कि हरियाणा में भी ये समस्या है कि एनीमिक हैं ज़्यादातर लेडीज़, उनका जो डाइट चार्ट होता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो ऐसे में, और आप क्या कहेंगी कि आंतरिक और बाहरी, बाहरी आजकल एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो टीनेजर लड़कियां हैं या कॉलेज गोइंग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एक होड़ लगी हुई है कि मुझे जो है स्लिम दिखना है। ऐसे में क्या वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? वो उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी उनका एक टारगेट होता है, लेकिन क्या वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक पहुँच पाएंगी जब तक कि वो अंदर से स्ट्रोंग ना होंगी? सहमत हैं कि हम वो नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों की मजबूती होना बहुत ज़रूरी है जी। और हमें ऐसा लगता है कि पतले होने के लिए आपको खाना छोड़ने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर ही खून नहीं रहेगा, आप अंदर से ही मजबूत नहीं रहेंगी, तो वो कभी खिल के बाहर नहीं दिखेगा जी। अगर अंदर ही आप परेशान हैं तो वो आपके चेहरे पे भी दिखता है। तो आप जो आजकल वेस्टर्न फूड्स आजकल आए हुए हैं, जो बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, पैक्ड ऑयली फूड्स जो होते हैं, आप उसको अवॉइड करिए। डेली लाइफ में आप अपने एक्सरसाइज मत छोड़िए, अपना रोज़ आधा घंटा भी एक्सरसाइज बहुत करेंगे तो आप बहुत है, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप दौड़ने जाइए, चाहे आप टहल के आइए, मगर आधा घंटा भी बहुत है। मगर कोई भी चीज़ बिना मेहनत किए तो आपको नहीं मिलेगा जी। और खाना छोड़ना मतलब आप अंदर की चीज़ों को आप कमज़ोर कर रही हैं, खाना छोड़ना, तो उससे खून की कमी होने शुरू हो जाती है, जिसके कारण आप अंदर से कमज़ोर, थकावट, और आपको ना चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपके मुंह में वो थकावट और आपके मुंह में वो दिखती है फेस पे बिल्कुल, और वो चीज़ के कारण आपकी खूबसूरती नहीं दिखेगी। तो आंतरिक सुंदरता, आंतरिक मजबूती जब तक नहीं होगी, बाहरी सुंदरता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एनीमिक अगर आप हो जाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। एक महिला पूरे परिवार को संभालती है, समाज का दायित्व भी उसके ऊपर है, तो मुझे लगता है उसे ही सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
मैम, ये किताब जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो सामाजिक अगर दायित्व की अगर हम बात करें तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? समाज के लिए तो हम एक ऑलरेडी एक एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं जी, और जिसमें हम लोगों को अभी पिछले कुछ दिनों में हम डिप्रेशन के बहुत सारे मरीज़ देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स बच्चे, जो उनको कोई चीज़ वो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो वो गलत कदम उठाते हैं जी, उन बच्चों को हम सीख देना चाहेंगे जी, उनको उनके लिए हम डिप्रेशन पे स्पेशली हम काम करना चाहेंगे। दूसरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो महामारी के टाइम पे जो औरतें कपड़ा यूज़ कर रही हैं और उसके थ्रू जो इन्फेक्शन उनके यूट्रस में जाता है और जिसके कारण वो आगे आगे वो बच्चा उनको नहीं होता है, उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम उस पे हम ध्यान देना चाहेंगे, अवेयर करना चाहेंगे बिल्कुल को। जी, और हम आपको आगे के आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस देते हैं, ताकि आप मिस इंटरनेशनल मिसेस एशिया तक आप पहुंचे, इसके लिए हमारे पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।